या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हम करते हैं किसी भी तरह की दुकान, दुकान बहुत से तरह की होती हैं, और उन दुकानों के अंदर अगर हमने ऐसा कलर कर रखा है तो हमको होगा लाभ ही लाभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे प्रतिष्ठानों में ऐसा कलर होना चाहिए। हम आज आपको जो विषय बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बिजली का सामान बेचने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी दुकान के अंदर सफ़ेद, गुलाबी, हल्का नीला, हल्का हरा, पीला और लाल, इसमें से किसी भी कलर को आप अपने दुकान के अंदर कराइएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान में बहुत ही लाभ होगा, बिकेगा बहुत। इसके बाद में हम बात करते हैं पुस्तक और मैगजीन बेचने वाले जातकों की। जो व्यक्ति मैगजीन और पुस्तक संबंधी व्यापार करते हैं, अपनी दुकान के अंदर पुस्तक रखते हैं, मैगजीन रखते हैं, ऐसे दुकानदार भाइयों को अपनी दुकान के अंदर इस तरह का कलर कराना है, हल्का नीला, पीला और हरा, इसमें से कोई भी कलर आप करा सकते हैं। इसके बाद में कार्ड, जैसे ग्रीटिंग कार्ड हो गया, विवाह संबंधित कार्ड के व्यापार करते हैं आप, आपका बहुत अच्छा व्यापार है, छोटी सी आपने दुकान बना रखी परंतु व्यापार आपका बहुत बड़ा है, उसके अंदर आपने रंग कौन सा करा रखा है, अगर आपने गलत रंग करा रखा है, व्यापार बड़ा है तो भी आपको लाभ नहीं होता। छोटी सी दुकान करने के बाद में अगर यह कलर आपने अपनी दुकान के अंदर करा रखा है तो आपको होगा लाभ ही लाभ। कलर का ध्यान दीजिएगा, आपको नीला, मटमैला, गुलाबी और सफ़ेद, इसमें से कोई भी कलर आपको अपनी दुकान के अंदर कराना है, आपको लाभ ही लाभ होगा। खिलौने का व्यापार करने वाले, अगर आपने अपनी दुकान के अंदर गुलाबी, हल्का हरा, पीला और सफ़ेद, इस तरह के कलरों को कराना है, जब आप ऐसे कलर कराएंगे तो आपको लाभ होगा। विद्युत का सामान, बिजली का सामान बेचने वाले, आपके लिए गुलाबी, हल्का हरा, नीला और सफ़ेद कलर कराना है। अन्य वस्तुओं का व्यापार करने वाले, किसी भी तरह के अन्य वस्तुओं हों, उनका यदि आप व्यापार कर रहे हैं, आपने अपनी दुकान के अंदर ऐसी वस्तुओं को रख रखा है जो बहुत सी बहुवस्तुएँ होती हैं, उनका व्यापार करते हैं, तो आपको कराना है केवल इस कलर को जिससे आपको होगा लाभ। गुलाबी और सफ़ेद कलर का आप प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। आभूषण, ज्वेलर्स की दुकान अगर आपने खोल रखी है, आपका है व्यापार ज्वेलर्स का, करते हैं सोने चांदी का व्यापार, तो आपको कराना होगा ये रंग, जिसकी पीला रंग आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। पीला रंग जरूर आप अपनी दुकान में कराइए, इसके अतिरिक्त कोई भी रंग आपको नहीं कराना होगा। मित्रों, बात करते हैं मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब मेडिकल, जहाँ पे दवाइयों का काम होता है, ऐसे जातकों को, ऐसे व्यापारी भाइयों को जिन्होंने मेडिकल का काम कर रखा है, हल्का नीला और गुलाबी रंग आपको कराना है, और हल्का नीला गुलाबी कलर अगर आप अपनी दुकान में कराते हैं तो आपको लाभ होगा। रेडीमेड कपड़े का व्यापार करने वाले जातक, नीला, हरा और चमकीला रंग आपको अपने व्यापार में कराना है, दुकान में कराना है। इसी के साथ अंत में एक बात आपको बताते हैं, अगर आपने कर रखा है जूते इत्यादि बेचने का काम, बहुत बड़ा शॉप है आपकी, दुकान है आपकी, तो आपको इस तरह का कलर कराना है, आपको कराना है भूरा कलर अपनी दुकान के अंदर, सफ़ेद कलर और लाल कलर कराना है, आपको होगा लाभ। आपकी दुकान, आपका प्रतिष्ठान होगा बहुत जल्दी प्रगति की ओर। इसी के साथ फिर नए उपाय के साथ, नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।